हमसे 8.5 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद है फीनिक्स गैलेक्सी क्लस्टर। इस गैलेक्सी क्लस्टर में करीब 1000 एक्टिव गैलेक्सीज मौजूद हैं जिनका स्टार फॉर्मेशन रेट काफी ज्यादा है। इसी गैलेक्सी क्लस्टर के सेंटर में मौजूद है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसका मास 100 बिलियन सोलर मासेस के बराबर है, यानी कि ये पिछले 2618 से 34 बिलियन सोलर मासेस से ज्यादा बड़ा है। ये इतना विशाल है कि आप इसका अंदाजा इससे लगा सकते हो कि इसका सरकमफेरेंस का एक चक्कर पूरा करने अगर आप लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करें तो फिर भी आपको 71 दिन लग जाने। ब्लैक होल का इवेंट होराइजन एक ऐसी जगह होती है जहाँ से किसी भी चीज को बाहर निकलने के लिए उसे लाइट की स्पीड को भी पार करना होगा, यानी कि उसे लाइट की स्पीड से भी तेज बनना पड़ेगा तभी वो वहां से निकल सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ब्लैक होल का इवेंट होराइजन का डायमीटर 590 बिलियन किलोमीटर है, यानी कि प्लूटो से सूरज तक की दूरी के 100 गुना ज्यादा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस ब्लैक होल का फॉर्मेशन कई सुपरमैसिव ब्लैक होल के कोलिजन की वजह से हुआ होगा जो कि बिग बैंग के ठीक बाद ही बने होंगे। अगर ये बात सच है तो ये हमें मिला हुआ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्लैक होल भी हो सकता है।